तो जैसा कि कल हर इंडियंस के दिल की एक ही ख्वाहिश थी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया जीत जाए, और लोगों के इसी विश्वास का मान रखते हुए इंडिया की टीम बहुत ही अच्छे से खेली और लोगों के विश्वास पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरी। और जब से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये वाला मैच खत्म हुआ है, तब से एलविस यादव इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश बिल्कुल भी नहीं। इट्स ओके गाइस, पता भाई एक दिन में खेलने नहीं गए इंडिया, क्या हो गया। अब एलविस यादव को रोते हुए तो आपने देख ही लिया, पर सच बताओ तो उनका दुख यहाँ पर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वो अपने बगीचे में गए और वहाँ एक पेड़ पर रस्सी बांधकर, आगे मैं नहीं बता सकता हूँ, आप ही खुद ही देख लो। यो क्या बना रहा तू? यो क्या रिकॉर्ड क्यों कर रहा है इसको? मैं अपना सर मारूं ना सर। रिकॉर्ड क्यों कर रहा है इसको? काट कर, कट कर इसको, कट कर इसको। सर मार लो, इजी है, ठीक है। तो तीनों भाई एक एक करके लटक जाएंगे। पहले तू आ, तेरा शरीर में वजन ज्यादा। आ जा, बुराड़ी में फिर तू रिकॉर्ड कर रहा है क्या? अरे ये रिकॉर्ड मत कर, हम फंस जाएंगे भाई। आ जा, करवाओ भाई, कैसे करवाओगे? देख मैं रस्सी लाऊंगा और एकदम से मैं कुर्सी, रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा तू? नहीं नहीं, अरे ना, और रिकॉर्ड वाइज फ्लैश मार रहा हूं। रिकॉर्ड मत करियो, साढ़े फंस जाऊंगा मैं, एक केस और लगा देंगे। पर एलविस यादव अपने देश के लिए शहीद होने ही वाले थे कि तभी वहां पर लक्ष्य अर्चित और कटारिया पहुंच जाते हैं और वो एलविस यादव को लटकने से बचा लेते हैं। पर एलविस यादव का दुख यहां भी खत्म नहीं होता है। इसके बाद वो इतने ज्यादा दुखी, उनके दिमाग में इतना ज्यादा दर्द होने लगता है कि फाइनली वो साइड में जाते हैं और साइड में जाके कुछ ये करते हैं। पर उनका दुख यहां भी खत्म नहीं होता है। उसके बाद वो ट्विटर पे जाते हैं और बहुत खोजने के बाद उनको एक पनौती मिलता है, जिसकी वजह से ये मैच जो है इंडिया हार गई थी, और वो पनौती था लक्ष्य चौधरी। उसके बाद वो लक्ष्य चौधरी को टैग करते हुए लिखते, साले पनौती, तेरी वजह से ये मैच इंडिया आ रहा है। अब देखो सच बताऊं तो कोई ना कोई पनौती तो जरूर वहां पे गया था, तभी इंडिया हारा। अब लक्ष्य पनौती था कि एलविस पनौती था, दोनों में से कौन पनौती था? कि दोनों ही पनौती थे जिसकी वजह से इंडिया हार गया। इस बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बताना।